नमस्कार दोस्तों, आज है जुलाई की 10 तारीख और मैं अपने ना जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी हद तक मतलब गर्मियों में जो सूख गई हैं जिन जो ब्रांचेस उनको मैं प्रून कर रही हूँ। जो जो जैसे ये देखिए, ये हर श्रृंगार है ना, और हर श्रृंगार में आप ये वाली जो पत्तियाँ देख रही हैं ये बिल्कुल नई पत्ती है, एकदम बिल्कुल ताज़ी ताज़ी बिल्कुल निकली है, ठीक है। और बाकी ये आप देखो, पीछे आप देख रहे होंगे मेरा गार्डन काफ़ी ज़्यादा सूखा और वैसा हो रहा है। तो देखिए, जब आप इसको तोड़े ना, जब आप इसे हटाएं, जो आपको लग रहा है कि डेड ब्रांच हो गई है तो ध्यान से हटाइएगा। ये देखिए, अब जैसे ये देख रहे हैं ना, जब आप प्रूनिंग कर रहे हो तो ये देखिए, ये आप इसको आवाज़ सुनिए, तो ये एकदम आपको देखेंगे, आप ये देखिए बिल्कुल सूखी है, एकदम ये लकड़ी जैसी हो गई है। और इसको तो मैं हटा दूंगी, ये देखिए खट्टे से टूट गई, ठीक है ना। ये देखो, ये ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, ये ऐसे, ये तो टूट गई। लेकिन अब आपको मैं थोड़ा सा इधर क्लोज करके दिखाऊं, प्लांटर की हालत, गमले की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं अभी तक छत वहाँ पे नीचे जो है ना सब काम कर रही थी, बालकनी में भी कुछ खूब सारे प्लांट प्लांट मैंने लगाए हैं, अभी उसका वीडियो धीरे धीरे शेयर करती रहूँगी। छत का नंबर अब मैं सोच रही हूँ कि मतलब हफ्ते में, वीक में 2-3 प्लांट, 3-4 प्लांट करके करूँगी, क्योंकि करना तो देखो मुझे, मैं अकेले ही मुझे करना है, तो सारा कुछ मैं अकेले मतलब धीरे धीरे करके करूँगी, क्योंकि अभी देखिए मानसून की बिल्कुल जैसे ना कह सकते शुरुआत है। तो चलो, ये हम मैं आपको सिर्फ ये बता रही थी, बहुत सारे लोग जो पहली बार होंगे ना चैनल पे, उन्हें लगेगा अरे इनका गार्डन कैसा है, तो भाई 48 डिग्री टेम्परेचर को इस प्लांट ने झेला है, उसके बावजूद भी ये जिंदा बचा हुआ है, कोई ग्रीन नेट इसके ऊपर नहीं थी, कुछ नहीं था। और ये प्लांट मेरा काफ़ी पुराना है, ये देखो इसकी ट्रंक आप देखेंगे, ये देखिए कितना ज़्यादा मोटा, ये पेड़ की तरीके से हो रहा था, इसको मैंने रिपोर्ट कर करके बचा के रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसकी बात करते हैं कि जब आप प्रूनिंग करोगे ना, तो ये देखो, अब आप ये देखिए इस वाली ब्रांच में आप देखिए नई ये पत्ती नई नई बिल्कुल निकल रही है, ठीक है ना। तो अब जैसा ऐसा ना करो कि ये भी कट करके हमने रख दिया, ऐसे नहीं, जो हमको लग रही है कि जो बिल्कुल बिल्कुल ही डेड हो चुकी है, देखो ये जैसे ये डेड हो चुकी है, तो ये हमने हटा दिया, ठीक है। इस तरीके से करके देख लीजिए, और मेरे जो ये वाली जो मेन ब्रांच थी ना, यहाँ तो मैं पहले ही वो कट कर चुकी हूँ, अब इधर से नई नई और ब्रांचेस सब निकली हुई हैं, ये देखिए इस तरीके से ऐसे। तो इस समय का जो टाइम है, वैसे तो प्रूनिंग का बहुत अच्छा टाइम होता है, प्रूनिंग करके हम अपने उसको प्लांट को ना शेप दे सकते हैं और प्लांट को घना भी कर सकते हैं, और ग्रोइंग पीरियड जब होता है ना, प्रूनिंग तभी की जाती है। तो बस यही मैंने सोचा कि मैं इसको धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े प्लांट को अपने वो करती रहूँगी। मतलब ये देखो, ये देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल मरी हुई ब्रांच है, ये इसका कलर आप देखो ना, ये देखिए बिल्कुल मरी हुई है, ये देखो। तो इसमें कुछ नहीं जान है, इसमें जान नहीं है, पर हाँ एक चीज़ और बताऊँ, जैसे हम जब खाद बनाते हैं ना, तो हमें गीले के साथ, जैसे जो हमारा किचन और गार्डन वेस्ट होता है, तो ये सूखी जो छोटी छोटी ये टहनियाँ ये सब होती हैं ना, ये बड़ी काम आती हैं, ये भी ये सही रहती हैं, नाइट्रो कार्बन का काम करती हैं। तो इसको जो है फेंकती तो मैं नहीं हूँ, आपको पहले से आपको पता है, अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो फिलहाल ये सब सफाई वफाई करके ना, ये कुछ भी नहीं फेंकेगा, ये सब मेरा ये सब सब चला जाएगा वहाँ पे, किसी बड़े गमले में या किसी ग्रो बैग में। फिलहाल तो आजकल एक कूलर, पुराना कूलर है, उसमें भर रही हूँ। तो देखो ये जो है, ये देखिए ये बिल्कुल नई ब्रांच निकली है, ये सब ऐसे इस तरीके से कर लीजिए, और प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा छोटी छोटी मत कर दिया करिए, कि प्रूनिंग कर करके उसको बिल्कुल ही आप एक हाइट तक जितना आपको प्लांट रखना है ना, उतना रखिए आप, उसके बाद फिर आप अपना उसको प्रून कर दीजिए। तो देखो बताऊँ मैं आपको एक चीज़, ये तो मेरा चमेली है, इसमें बहुत फूल निकले, अब ये देखिए सब गर्मी से झुलस गई है जो पत्तियाँ हैं, और आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो प्लांट बिल्कुल हेल्दी रहा हमारा, कोई नहीं, ये देखिए नई पत्ती निकल रही है बिल्कुल, ये देखिए। तो फिलहाल ये सब की गुड़ाई करनी है, और आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए
हवा चलने लगी, बारिश आने वाली है। ये देखिए, ये जो अपराजिता है गमले में लगा हुआ है, ये मल्टी पेटल है और फूल भी कई सारे निकले हैं, ये देखिए। तो इसमें अभी एक दिन मैंने वो खाद डाल के दिखाया भी था, तो आपने वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा किस तरीके से केयर अभी करनी है, वो सब क्या क्या करना है। चलिए मैं उसको थोड़ा प्रून करती हूँ। यहाँ पे आई थी मैंने एक खुरपी लेने के लिए। तो इधर भी देखिए, इधर का तो अभी नंबर नहीं आया, बहुत बहुत प्लांट हैं और धीरे धीरे करके करूँगी भाई। देखो अच्छे से गुड़ाई कर लेना है। घास पतवार सब मैंने गर्मियों में छोड़ दी थी, इन्होंने मेरी बहुत मदद की। ये जो वीट थे इन्होंने बहुत हेल्प करी, मेरे प्लांट की जड़ों को संभाल के रखा, जलने नहीं दिया, ख़राब नहीं होने दिया। जबकि आप देखो ये सीमेंट का गमला है, ये सब 12-12 इंच का, ये चमेली वाला भी ऐसा ही है, ये देखो। तो इन लोगों ने, मैंने जान के इनको नहीं हटाया था कि मेरी जो प्लांट की जड़ें हैं वो सलामत रहेंगी, अच्छे रहेंगी। ये सारे जो गर्मी के थपेड़े हैं ना, ये अपने ऊपर ले लेंगे। मैं ये सब हटा रही हूँ, बहुत सारे ऐसे सदाबहार इतने निकल आए हैं, देखती हूँ तो कहीं लगाना होगा लगा दूँगा। अब देखो जैसे ये ब्रांच है, ये देखो ये एकदम बेकार है, इसमें कुछ नहीं है। आप ध्यान से तोड़ना, ये ना हो कि मतलब ब्राउन अगर दिख रही है तो आपने कोई अच्छी ब्रांच तोड़ दी, ऐसा मत करना, ठीक है। तो इसको सबको साफ करना है और जड़, जो ये जड़ें हैं ना, जड़ सहित यूं हटाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से हटा दिया, अगर आपने ऊपर ऊपर से हटा दिया ना तो फिर इससे ये फैल जाएंगे। ज़रा से ही अभी इनको वो मिलेगा तो, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से गुड़ाई उड़ाई कर दीजिए बढ़िया। और देखो अभी बारिश भी आने वाली है, और अगर आपको लगता है कि आपका प्लांट रूट बाउंड हो चुका है, इस तरीके के जो ज़मीन में लगे हुए प्लांट रहते हैं वो 3-3 साल हो चुका है, फूल वूल देना बंद कर दिया है, आप सब कुछ कर रहे हो, सारी केयर कर रहे हो, मतलब आप धूप में भी रखा है और खाद वाद सब दे रहे हैं, सब कुछ करने के बाद भी फूल नहीं आ रहा है, और प्लांट की जो जड़ें हैं वो गमले के ड्रेनेज होल से बाहर आ रही हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा, तो ये मौसम बहुत अच्छा है रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से ना, जब मतलब इसको सेम ही वो कर सकते हैं, रूट प्रूनिंग कह सकते हैं। जैसे एक तो हुआ कि पूरा प्लांट इसको निकाला और उसके बाद रूट की कटाई छटाई करी। ये तरीके से मैं जो कर रही हूँ ना, इसमें आधा मतलब ये समझिए कि इधर इधर से पूरा नहीं हुआ, ये थोड़ा थोड़ा सा हुआ, ये ऊपर ऊपर से रूट की प्रूनिंग हो गई, ठीक है। तो इसमें से ये घास फूस सब हटा हटू के, और इसमें मैं आपको बता दूं, अभी जो फर्टिलाइज़र मैंने उसमें दिया ना, अपराजिता में दिया था, एक वीडियो बनाया था कि कैसे हम बरसात में अपने प्लांट की देखभाल करें जिससे कि हमारे प्लांट्स खूब अच्छे से ग्रो भी हों और हम उन्हें क्या खाद वाद दें, तो वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी इसी वीडियो में, आप देखना हो देख लेना, ठीक। तो ये जो है इस तरीके से, ये देखो जैसे ये सब पत्तियाँ मैं हटा दूँगी। तो इसमें खाद क्या देना है, जो खाद उसमें दिया था मैंने वही इसमें दूंगी, ठीक है। और गमले में लगे हुए प्लांट रहते हैं बारिश में, तो चलो बारिश का पानी बहुत अच्छा रहता है, नाइट्रोजन का और स्रोत होता है, नाइट्रोजन के अलावा भी इसमें बहुत सारे पोषक तत्व तो प्लांट वाले होते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए होते हैं, मैग्नीशियम भी होता है और चीज़ें भी होती हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन ही होता है। लेकिन थोड़ा सा हम अपने साइड से भी अगर प्लांट को वो कर देंगे ना, प्लांट तो अपनी ग्रोइंग उसमें है ही है, मानसून जो बारिश का पानी है वो तो कर ही रहा है, लेकिन गमले में लगा हुआ प्लांट है इसको हम थोड़ी सी हेल्प कर देंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से फूल भी देगा और वो भी करेगा, मतलब बुशी भी होगा, सब कुछ होगा, है ना, हेल्दी रहेगा, सड़े बढ़ेगा नहीं। तो अभी मैं बस इसको गुड़ाई कर लूँ, ये दोनों में एक ही खाद दूंगी। बचती है
देखो ये मैंने इधर कर दिया मिट्टी सब, अब यहीं पे लाके खाद डालती हूँ। और तो देखिए क्या है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पुरानी गोबर की खाद है। जो भी खाद यूज़ करना है पुरानी करना है, चाहे वो घर की बनी हुई कंपोस्ट हो या ये हो। मस्टर्ड केक का इस्तेमाल अभी मत करिएगा, पाउडर में तो बिल्कुल मत करिएगा, मैं पाउडर में कभी नहीं करती, ठीक। ये गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट भी इस टाइम पे मत करिए। और ये है एप्सम सॉल्ट करीब 2 चम्मच, मैंने मतलब दोनों गमले के हिसाब का है ये, ठीक है, ये दोनों गमले का है। और ये जो है ना, मतलब एक एक मुट्ठी के हिसाब से 2 मुट्ठी ये नीम की पाउडर है, नीम खली पाउडर, और ये सीवीड ड्रैन वाला है। ये सब ये क्या करेगा, अभी स्नेल्स और वो कीड़े वड़े शंख वाले सब होते हैं ना, ये सब लगने नहीं देगा। तो बस सबको मिक्स करना है, और मिक्स करके और साइड में इस जगह पे डाल देना है, ठीक है ना। लो ये वाली प्लेट है ना, इसमें बड़ी है, इसमें सब मिक्स हो जाएगा एक बार में। ये वाला गमले की उसमें बड़ी वाली प्लेट थे, तो बस इस तरीके से। और बहुत ज़्यादा मत भरिएगा, बहुत ज़्यादा भरेंगे ना तो वो होगा, मतलब ये देखिए इस तरीके से आप साइड साइड में ये मिक्सचर डाल दीजिए। और ये देखो उसके बाद ये वाली जो मिट्टी इधर साइड में की थी ना, उसको इधर कर दीजिए। वीड वीड जितने घास वास थे उनको हटा दीजिए, है ना। ये तो ये देखो इस तरह से हटा दीजिए। और उसके बाद अगर मतलब आपके यहाँ बारिश होने वाली है तो छोड़ दीजिए, नहीं नहीं होने वाली है, अगर धूप एक्चुअल में, ये इसके बाद का जो स्टेप होना चाहिए वो धूप दिखाने का होना चाहिए, सनलाइट। मतलब जब हम गुड़ाई करते हैं ना, तो गुड़ाई करने के बाद प्लांट को इस तरीके से छोड़ देना चाहिए, जिससे अंदर अच्छे से सनलाइट पहुंच जाए, जड़ों में ऑक्सीजन पहुंच जाए, मतलब अच्छे से धूप ऊप सब लग जाएगी, तो कोई भी फंगस नहीं लगेगा। फिलहाल हमारे मेरे यहाँ देखो बारिश बिल्कुल बनी हुई है सिर पे, तो मैं अब धूप का तो कोई मतलब है नहीं इस टाइम पे, तो मैं इसलिए इसको इस तरह से कर रही हूँ। फिर वीडियो भी बना के मैं बनाना है मुझे, ये करना है कम्प्लीट, तो बस ठीक है। अब बस इसको इस तरीके से ढक दिया और कवर कर दिया, फर्टिलाइज़र नीचे है, ये काम हो जाएगा। देखना बहुत जल्दी फूल आएगा, मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ, उसमें भी बहुत, इसमें भी आएगा और उसमें भी आएगा। चमेली, चमेली जैस्मिन की एक वैरायटी होती है, इतने छोटे छोटे से फूल होते हैं, बहुत तेज़ इसका तेल बनता है। ये भी घर में लगाना शुभ प्लांट होता है, ये भी शुभ माना जाता है, दोनों का दोनों। अपराजिता आपको दिखाया वो भी, फिलहाल अब सेम इसी तरीके से ये कर रही हूँ मैं। और ठीक है, देखो बूंदें पड़ने लग गई, चलो मैं जल्दी जल्दी से इसको बस ख़त्म करती हूँ, फिर जो है देखती हूँ। और कुछ छत पे ना नाली वाली में कहीं कुछ मतलब पत्तियाँ वत्तियाँ हटाने का भी रहता है, नहीं तो बारिश आ जाती है, तो बस इसको इस तरह से। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए दोनों ही मैंने एक ही दिन में वो करा, मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा करके जल्दी जल्दी करके मतलब ख़त्म करूँ इसको, क्योंकि एक बार गर्मी के बाद थोड़ा सा इनका केयर करना ज़रूरी हो जाता है, जो गमले में लगे हुए प्लांट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें अभी मैं पानी नहीं दे रही हूँ, बारिश आ ही जाएगी। ये देखिए बिल्कुल घने बादल हो रहे हैं, ये देखिए अभी एक उस दिन अनार ये गार्डन और किचन वेस्ट में लगाया था, तो अनार जो है मेरा वो लग गया है। ये देखो नई पत्ती आई है, ये इसमें बहुत सी सिर्फ मुश्किल से 4 इंच मिट्टी भरी है, बाकी तो सब गार्डन किचन वेस्ट भरा है, ठीक है। दोस्तों अब आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, मैं बहुत जल्दी से मिलूँगी, अगर नहीं किया है तो। कुछ और पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।